बैठो मत, हाँ ऐसे रहो। थर्ड वीडियो में दीपक नंदा और ये तीसरी वीडियो में भी रो दिए, क्यों? मैं पूरा ही आपको फोटो के ले रहा हूँ। हाय मैम, लो यार लो फोटो लो। तो भाई मैं जैसे महादेव का नाम लेता हूँ, तो महादेव अपने आप को खुद वो भगवान नहीं समझते, पहाड़ों पे रह लेते हैं, तो उन पे घमंड नहीं आया, तो हम तो एक उनके पैर की धूल भी नहीं है, तो मुझ पे कहाँ से घमंड आ जाएगा। और मुझे बनाने वाले यही लोग हैं, इनसे घमंड करके कहाँ जाऊँगा मैं। स्टार्ट, चलो। तो हर महादेव मेरे सही भाइयों को, आपका प्यारा भाई इंडियन रॉक। आज का जो व्लॉग है वो HFF शेरू क्लासिक का दूसरा दिन है। गर्मी है बहुत जानदार, शानदार, ज़बरदस्त। तो मैं थोड़ा थोड़ा परफेक्ट हो ही गया हूँ गाड़ी में, लेकिन दुख होता है कि वहाँ बैठ के जाता था मैं आराम से, मैडम चलाती थी गाड़ी, लेकिन अब खुद ही करना है सब कुछ। तो कुछ नहीं भाई, अभी चलते हैं, सेकंड डे दिखाते हैं आपको। कल का व्लॉग तो देखा होगा अपने, मस्त गया होगा, नहीं देखा तो जाओ। और आज के व्लॉग में कॉम्पिटिशन भी दिखाएंगे आपको, और थोड़ा सा तड़कता भड़कता चीज़ें भी दिखाएंगे। तो पीछे बैठे हैं आदि, उसके साथ है नितिन, और इधर है अंकित। फिल्म मुंह दिखा दे अपना। हाँ तो चलो भाई, चले सवारी। मैप लगा दिया भाई, चलो भाई, गर्मी खतरनाक है लेकिन। चलो चला भाई, तो बस भाई लगभग पहुंच गए हम, क्योंकि लेकिन दिक्कत ये है कि पहले यहीं से होता था, तो वो 4 मिनट दिखा रहा है, 3 मिनट दिखा रहा है, 3 मिनट का सफ़र होता था, 2 मिनट का भी नहीं होता था, 1 मिनट का। अब घुमा के लाना पड़ता है, तो हो गया है 3 कुछ मिनट का। तो भाई चलो पहुंचते हैं, फिर आपको वहाँ भी दिखाते हैं। सामने दिखाओ ज़रा, तो भाई हम पहुंच गए हैं अपनी राह में। भाई की फोटो कहाँ ले जाऊँ, यहीं? हाँ अरे बिल्कुल। तो बस हम पहुंच गए हैं आज बिल्कुल, कल थोड़ा बाहर लगाई थी। महादेव बैठे हैं, तो भाई महादेव के भक्त ऐसे जा सकते हैं क्या? क्यों भाई? हाँ आ गया, आप बैठो मत, खड़े रहो, बैठो मत, हाँ ऐसे रहो।
कैसे हो? चलो हम तो फॉलो करते हैं, कराते भी आते हैं। भाई हाँ यहीं से रहेंगे, फिर निकल जाएंगे थोड़ी देर। मैं पूरा ही आपको फोटो की ले रहा हूँ। हाय मैम, लो यार लो फोटो लो ले। अच्छा ओके थैंक यू सर। अरे बिल्कुल भी, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई। कौन था? मन का त्याग लिया स्टूडेंट। उससे पूछ लो यार, खुल गई ना गाड़ी, इनकी बैटरी है उसमें। मैं देख लेता मैं गाड़ी के पास जाके। क्या सो कब आए? अभी आया था, बाहर ही था मैं। अच्छा, पहले इधर ही आएगा सीधा? हाँ। इंडियन रॉक एंड देखो बाइसेप साइज बाइक का दिखाना सर एक बार। ये अब आपसी कंपटीशन की कब तैयारी है सर? भाई अब कंपटीशन की तैयारी थोड़ा अच्छे होके ही आएंगे। अब थोड़े टाइम से थोड़ा ऑफ सीजन जाना अभी। हेलो थैंक यू सर। सर हाँ जाओ, हाँ जाओ, इनको लेने दो एक मिनट। आप हाँ जाओ, आ थैंक यू, नहीं नहीं आप वही वो मेरा दूसरा भाई था। नहीं नहीं ये वही है ना। ये वही वही अरे दूसरा भाई है मेरा वो। क्या हाल है? बस बस कब ले जा रहे हो? जाएंगे जल्दी। घर कब ले जा रहे हो? मुझे जब चल दो। आज चल चले गए कल, तुम बोला मैं साथ में आज चल दो। आज नहीं अब कल जाएंगे लास्ट दिन में। मैं बोल दूंगा रूपल को मना ले। नहीं नहीं मैं कल, आपने कल बोला कल मैं फोन कर दूंगा। पता है किधर कंप्लेंट करनी? मैं ही कॉल कर दूंगा आपको। ये फोटो खिंचा ले। हां हां बिल्कुल। काफी वेट करा है। थैंक यू। कैसा भी सर? वो तो मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं चलती हूँ मैंने, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा। हाँ और वो नहीं, वो तो स्ट्रॉन्ग है। आप बाइसेप दिखा दो। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू ब्रो। क्या है फोटो? 1 2 3 भाई जल्दी ले ले। थैंक यू सर। प्लीज वन लास्ट फोटो। आई एम बिग फैन। कौन ले रहा है? आई कैसा? हां जी ठीक है। हाँ जी 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 बस तो ले लेगा। सर 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 वन हैंडशेक भी सर। इनको ये नहीं मालूम है कि एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है। थैंक यू सर। सर 1 मिनट सर। आप कैसे सर? थैंक यू थैंक यू। अब मैं यहीं जा रहा हूँ, यहीं जा रहा हूँ भाई, यहीं जा रहा हूँ मैं। स्टार्ट स्टार्ट कह रहा हूँ। चलो काउंट डाउन कर दो। स्टार्ट चलो।
जो कुछ ऑर्डर कर ले शॉर्ट्स पहने तो आ जाओ भैया। थैंक यू सो मच। कहाँ गए भैया? चलो खिंचवा भैया बहुत भाई के साथ। चलो थैंक यू भाई फोटो। थैंक यू कि जैसे ये सपोर्ट करते हैं वैसे आप भी सपोर्ट करते हर चीज में। जी जी तो बहुत क्योंकि आपका ही सपोर्ट होता है एक आदमी के ऊपर ना बहुत वही सब कुछ कर पाते हैं। जी जी मैडम एक काम करिए। हाँ जी हाँ जी मैं इनको असली वहीं से याद दिलाता हूँ हमेशा। मेरा भी बांदा मेरे साथ हैं मेरे बहुत पुराने जानकार और इस जानकारी को कैसे परिभाषित करने के शब्द में वो दीपू बता देगा बट एवरीबडी नोज इंडियन रॉक दीपक नंदा। मैंने इनकी जर्नी देखी है घने घुंघराले बालों से लेके इंडियन रॉक तक बनने तक। ऑल राइट और एक चीज़ जो कॉमन है दीपक नंदा के बारे में वो जितने ग्राउंडेड पहले थे मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 की जब ये वाराणसी में कम्पीट करने गए थे मिस्टर नॉर्थ इंडिया तब से आज तक ही इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। दीपक तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए लोगों को कि क्यों यार चढ़ तो सकते थे ना। तो सभी भाइयों को हर महादेव जैसे आपने बताया आपका प्यारा भाई इंडियन रॉक आई बी प्रो दीपक नंदा। तो भाई मैं जैसे महादेव का नाम लेता हूँ तो महादेव अपने आप को खुद वो भगवान नहीं समझते पहाड़ों पर रह लेते हैं तो उन पर घमंड नहीं आया तो हम तो एक उनके पैर की धूल भी नहीं है तो मुझ पर कहाँ से घमंड आ जाएगा। और मुझे बनाने वाले यही लोग हैं इनसे घमंड करके कहाँ जाऊँगा मैं। अगर यही नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता इन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। बट ये सच्चाई तो सबके ऊपर वैलिड है सबके ऊपर आप कुछ नहीं समझते ऊपर वाला मौका देता है ऊपर चढ़ने का हाँ। फिर ऐसा गिरता है दांत भी तोड़ देता है। हाँ बात ठीक है कभी तो इस चीज़ का डर है कि मेरे दांत टूट जाएंगे। मैं बहुत डरता हूँ महादेव से कि मैं किसी कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो उसका जबरदस्ती करते हैं मैं करूँगा तो मेरे साथ भी करेंगे। सही बात है ओके वो पिता सबके ही हैं मैं नहीं स्पेशल नहीं हूँ सबके ही हैं वो तो मैं गलत करूँगा तो मुझ पे ज़्यादा लाठी पड़ेगी। बिल्कुल और पिता से मुझे याद आया जी कि कोई पिता बनने वाला भी है। जी कौन है? मैं ही हूँ और कौन है। ऑल राइट दीपक मैनी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू बहुत पुरानी
मुंह मांगी मुराद है ये जो पूरी होगी। और राइट, और दीपक मैं चाहता हूँ कि एक बहुत प्यारा सा, और देखो महादेव की बात ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हर कोई तो महादेव को नहीं मानता ना, तो एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल सक्सेस के लिए लोगों को ज़रूर दो। क्यों? क्योंकि अब से 2-3 साल पहले शायद तुम्हारे पास एक ब्रांड होगी। आज तुम्हारे पास लाइन एक है, भी नहीं था, मैं ब्रांड की तरफ खड़ा था। ब्रांड की तो रूपल और मैं देख रहे थे कि यार हम भी कभी इधर खड़े होंगे। हाँ, तो रूपल और हम देखते रहते थे, आज मैं यहाँ हूँ। तो वही जर्नी के बारे में लोगों को बता। जर्नी कुछ नहीं है, आप पहले तो ये है कि आप किसी को भी मानते हो, जरूरी नहीं कि मैं महादेव को मानता हूँ तो कोई मुस्लिम भी होगा तो ऊपर वाले को मानता है। आप किसी को भी मानते हो लेकिन उतना विश्वास उस पर बना के रखो। सब एक ही हम इंसान है, ऊपर वाले ने ही बनाया, आप उन पर विश्वास रखो। और सेकंड क्या, जो हमारे घर में हमारी माँ बेटी बहन कोई भी हो चाहे वाइफ, तो उसकी रिस्पेक्ट करो आप, क्योंकि आपके बढ़ाने में उन्हीं का हाथ होता है। धरती पर लाने वाली वही है, भगवान नहीं है, लाती औरत ही है आपको। तो आप जब उनकी रिस्पेक्ट करोगे ना तो ऊपर वाला खुद साथ देगा आपको और आप आगे बढ़ जाओ। और दूसरा, अपने अंदर कभी घमंड मत आने देना। घमंड मत आने देना है, ये भाई कहने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल है, तो बेहद मुश्किल आता है। तो आप जिसके पास, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर घमंड आ रहा है, तो जिनको भी आप मानते हो आँख बंद करके उनके बारे में उनको याद करो, आपका घमंड खुद ही शांत हो जाएगा। और नहीं होता तो फिर तो आप पाप के भागीदारी हो। बिल्कुल, हम पाप के भागीदारी आपको बनने नहीं देंगे, इसलिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे, चश्मा उतार के कैमरे में देखे जरा रूपल, आपकी परछाई जो यहाँ पे नहीं है, उनके लिए प्यारा सा मैसेज दे दीजिए। प्यारा सा मैसेज दे दूँ? अच्छा, रुलवाओगे क्या तुम मुझे? हाँ, अच्छा। वो कोशिश है। देखो ये बताना है कि हाउ आर यू फीलिंग, पहला शो 10 साल में विदाउट रूपल। तो पहला शो बहुत अजीब सा ही लग रहा है मुझे, लेकिन भेजने वाली वही है, मैं तो आता भी नहीं, मेरे उसके बगैर जा रहा मुझे लगता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एक परछाई के बगैर आप जब साथ चलते हो तो परछाई दिखती है आपकी, तो मेरी परछाई है। अब वो दिख नहीं रही तो मुझे अजीब सा लग रहा है, और लोअर बैक भी मेरी ऐसा लग रहा है कि है नहीं, बहुत दर्द कर रही है, क्योंकि मुझे, मेरे को मोटिवेट करने वाली, यहाँ तक पहुँचाने वाली वही है, तो वो मेरे साथ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, थोड़ा मिस सा फील हो रहा है। मिस क्या, बहुत ही कुछ हो रहा है, अपनी बॉडी में कुछ है नहीं। सच्चाई तो यही है। हाँ, इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट, चाहे वो शॉपर स्टॉप पे दूध की थैली लाने की बात हो या वो आज का टाइम हो, दीपक नंदा हैज ऑलवेज बीन द सेम, सो हैज रूपल नंदा बीन। दिस इज माई थर्ड वीडियो विद दीपक नंदा, और ये तीसरी वीडियो में भी रो दिए। क्यों? बिकॉज ऑफ रूपल, दैट्स अ ब्यूटीफुल लव दैट दे शेयर फॉर ईच अदर। ये मेरे को हर बार रुला देते हैं, मेरा पहला भी इन्होंने लिया था जब इंटरव्यू, जब भी मेरे को रुलाया था इन्होंने, जितनी बार लेते हैं हमारा इंटरव्यू लगा देते हैं। इनके पास में छुप के आऊंगा अब मैं। छुप के आएंगे, चश्मा इसलिए मैं उधर आया, यहाँ तक ब्रांड करवा के आऊंगा चश्मे को। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू रूपल, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो। दीपक इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, यू आर ऑलवेज देयर विद ऑल ऑफ अस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यू मंथ्स। ऑलराइट दीपक, थैंक यू। महाकाल बैक स्टेज किधर है भाई? सर थैंक यू प्लेस है। अरे ऑल द बेस्ट, आपको ही ढूंढ रहे हैं। थैंक यू। सर एक बात की आपको बधाई हो। जी जी, आपको पता चल गया, समझ गया। जी जी जी, ऑल द बेस्ट भाई। बैक स्टेज किधर है? इधर है, इस तरफ है। थैंक यू सर। आगे आ जाओ, चल चलते रहो। थैंक यू सर। ये भाई है मेरे, अभी कितने प्रो कार्ड, चश्मा लगा लो पहले। इस बार कितने प्रो कार्ड उतरने वाले भाई? अभी आज 4 लड़के खेले, हमारा वो साथ है, ऐसा साथ है हमारा जहाँ पे अपने ऐसे कॉम्पिटिशन खेले जो अभी तक साथ साथ है। कोई मतभेद नहीं, कोई मुकालात नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है। और हमेशा आप भाभी को मिस कर रहे हैं? हाँ, है? तो सच्चा ये कहते हैं मेरी वाली भी, दोनों इतना प्यार है हमारे में। इस पे लेता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और सर कैसे? बढ़िया बढ़िया। आप तो ऑलवेज
मस्त तो अभी मस्त ही लग रहा है। उम्र के साथ जवान होते हैं। जवान ही है, बॉडी बिल्डर बूढ़ा हो गया तो फिर फायदा क्या? मैं तो ये देख रहा हूँ 2019 में लगता है और बेटर होगा। शेर कभी बूढ़े नहीं होते, शेर नहीं बूढ़े, शेर जवान रहते हैं, सोते हैं वो, उन्हें लगता है कि बेचारा है सुस्त हो गया, लेकिन शिकार आते ही उखड़ जाते हैं। नहीं होना भी चाहिए, एक अंदर की आग है ना वो जलती रहनी चाहिए। वही तो नहीं बुझती हमारे अंदर, वही तो कीड़ा है एक बॉडी में। ठीक है भैया, अच्छे लग रहे हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपका भी एक है बाद में। सबसे अच्छा ये लगता है कि बॉडी बिल्डर के साथ वाइफ होती है उनकी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ जैसे भाभी आपके साथ है क्योंकि वही समझ सकती है ना। हाँ कोई नहीं समझ सकता घर में, एक बारी को माँ बाप भी छोड़ देंगे, नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, लेकिन जो आपका पार्टनर होता है वही समझ सकता है। सही बात है। ये सिचुएशन क्या है, हम कैसे और आके और पता चल जाता है कि हाँ किस कंडीशन में रहते हैं हम यहाँ। कंडीशन में रहते हैं जब कोई इवेंट में आता है ना फिर पता लगता है क्या। पीछे तो अलग लगता है कि कितने मजे आ रहे होंगे, मजे आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर चलता है कि हम कैसे पढ़े हैं, क्या कर रहे हैं। सही बात है। ऑल द बेस्ट भैया, मैं तो देख ही रहा हूँ। तो पाजी करते हैं हमारी सबकी ट्रेनिंग, यानी कि हमें सुंदर बना के भेजते हैं, यानी कि हमारा मेकअप ये है। हाँ फाइनल टच। हाँ आप बताओ कैसा, हम जब आते हैं कैसे आते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारी हालत ये बता सकते हैं कि इस हालत में आते हैं। नहीं देखो पाजी, एक एथलीट के, जब हम एथलीट की बात करें ना, तो टैनिंग, एक अच्छी टैनिंग स्टेज तक जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। अगर मतलब टैनिंग सही नहीं है तो कभी भी एथलीट का कॉन्फिडेंस सही नहीं हो सकता। अगर टैनिंग सही है तो मतलब लाइक कि अगर कहीं कि मैंने भी देखा है कि अगर टैनिंग अच्छी नहीं मसल भी छूट जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और यही रीज़न है। तो अच्छी टैनिंग बहुत ज़रूरी है भाई, आप ये नहीं कि कहीं और से। हाँ और अच्छी टैनिंग पर हमेशा पैसा लगता है, वो कभी सस्ती, वो कभी सस्ती नहीं होती है, राइट। और when it's pro tan, you know it's world's best. Yes. And हमारे दीपक भाई, he's also best. खेल रहे हो? फाड़ देंगे इस बार, खेलेंगे तो अगले साल। भाई अलग हो गया, मैं इधर हो गया। मैंने कहा भाई तुम टू पॉइंट मारना, भाई फाड़ोगा। मेरे से पूछा था उन्होंने कि तुम्हें इंडिया में सबसे अच्छी बॉडी क्लासिक में किसी रहती है, मैंने एक ही बंदा था। हाँ रूपल का सबने पूछा है। तो पूछेंगे ही ना। मुझे नहीं पूछ रहा कोई। अरे तुम तो दिख रहे हो ना। नहीं मुझे दोनों बोला। अरे वो बैठे हुए क्या हो गया, सो रहे हैं क्या? है इंतजार में, मेरे इंतजार में कि सोएंगे। सो रहे हैं लेटर और लेटर हो गया। सो जाने, दो बार चक्कर मार के जब तुम लोग दिखे नहीं, नहीं दिखे ना इस तरफ में, यहाँ तक इनसे भी मिलके गए हो यहाँ पे। ये नीचे बैठा हुआ था और तुम सो रहे थे, मैं चाहता हूँ तो उसने ऊपर ने फोन किया, मैंने कहा तो कहीं करे, उन्होंने कहा बाहर एक कोने में, फिर हम वहाँ तक चले गए पीछे तक, फिर हमने कहा कोने में नहीं है, मेरे बाहर ना हो। अभी होगा क्या? अभी होगा ना, फाइनल होगा ना। रो कार्ड अभी है ना, रो कार्ड आज ही मिल रहा है क्या भैया? प्रो कार्ड आज ही मिलेगा क्या? प्रो कार्ड तो आज ही मिल जाएगा।
हाँ तो मैं सलाम को फोन करने को आप हो गया आपका भाई भाई नहीं हो रहा बहुत तो यार पता नहीं गिनवाई थी आपको बहुत अच्छा हटा दी भाई अपना अच्छा लग रहा है भाई ठीक है फोन करने के बाद फोन कर देना लेकिन पतला नहीं होना भाई अब मैं जो कर रहा था ना वो ट्रीटमेंट ही फिजियो टाइप वाली खींचने वाली उसे ठीक करने वाली मेरे लिए कॉफी है मेरे लिए कॉफी है क्या दिक्कत हो रही है क्या चीज़ हो रही है ऑटो बस ऑफ करना कौन सी हो रही है मजा बहुत आया है ना भाई दूसरा दिन तो भाई सुबह से एक ही मील दूसरी मील ही खाई है हालत ख़राब हो गई लोगों ने इतना प्यार देते हैं इतना प्यार करते हैं तो भाई आज का व्लॉग भी होता है समाप्त।
सभी भाइयों को हर महादेव। कल का ब्लॉग देखना मज़ा आएगा, आज का ब्लॉग देख के और ज़्यादा मज़ा आएगा, कल का ब्लॉग और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सभी भाइयों को इतना प्यार देने के लिए मुझे, लव यू टू ऑल, हर महादेव। महादेव आपको ब्लेस करें, हर महादेव।